दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी मूवियों में काम किया, लेकिन वे अपने करियर में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र की बेटी ईशा दौल के बारे में, और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है ईशा दौल, प्रोफेशन से एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म 2 नवंबर 1981 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था, और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 43 ईयर हो चुकी है, और इनका होम टाउन सानेवाल लुधियाना पंजाब है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई जमनाबाई नरसी स्कूल मुंबई से की, और वहीं अपने कॉलेज की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने मास्टर इन मीडिया आर्ट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हुई है। दोस्तों, ईशा का जन्म एक पंजाबी पिता और एक तमिली माँ के यहाँ हुआ था। ईशा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वह अपनी स्कूल फुटबॉल टीम की कप्तान थी और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए चुना गया। उन्होंने स्टेट लेवल पर फुटबॉल में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया। आप इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो ईशा ने साल 2002 में बॉलीवुड फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में डेब्यू किया, जिसमें इनका कैरेक्टर ईशा सिंह का था। इसके लिए इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में काम किया जिनके नाम हैं न तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, काल, दस, नो एंट्री, धूम, LOC कारगिल, शादी नंबर 1, कैश, 1-2-3। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। इन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, कन्नड़ और तेलुगु जैसी फिल्मों में भी काम किया। इनकी फर्स्ट डेब्यू तमिल मूवी का नाम है अयुथा H2, और इनकी फर्स्ट डेब्यू कन्नड़ मूवी का नाम है टेल देम यंग। और साथ ही साथ इन्होंने टीवी में भी काम किया है। फर्स्ट टाइम टीवी में डेब्यू किया था रोडीज X2 से, जो कि 2012 में आया था। साथ ही साथ ये वेब सीरीज में भी नज़र आई थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम वेब सीरीज में डेब्यू किया था रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, जो कि 2022 में आई है। साथ ही साथ ये हंटर वेब सीरीज में भी थी। और हम आपको बता दें, वह इंडियन क्लासिकल डांस में भी ट्रेंड हैं। उन्होंने डिफरेंट कार्यक्रमों में अपनी माँ के साथ मंच भी शेयर किया है। साल 2004 में इनकी सुपरहिट मूवी धूम में उनके परफॉर्मेंस से इनको काफ़ी पॉपुलरिटी भी मिली, और 2018 में उनकी हिंदी शॉर्ट मूवी केक पॉप में इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले। और फरवरी 2020 में ईशा ने अपनी फर्स्ट बुक अम्मा मियाँ के साथ एज अ राइटर डेब्यू किया। तो हमको कमेंट करके बताना कि ईशा देओल आपको कैसी लगती हैं। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डिफरेंट टाइप के अवार्ड मिले हैं, जिनके नाम हैं बॉलीवुड मूवी अवार्ड, 48 फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, 6 जी साइन अवार्ड, 4th आईफा अवार्ड। तो अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम धर्मेंद्र है, जो प्रोफेशन से एक्टर एंड पॉलिटिशियन है। इनकी मदर का नाम हेमा मालिनी है, जो प्रोफेशन से एक एक्टर एंड पॉलिटिशियन है। इनकी रियल सिस्टर का नाम आहाना देओल है, और इनकी हाफ सिस्टर का नाम विजेता देओल एंड अजीता देओल है, और इनके हाफ ब्रदर भी हैं जिनका नाम सनी देओल एंड बॉबी देओल है, और इनके एक्स हस्बैंड का नाम भरत तक्तानी है, जो कि प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। इनकी मैरिज 29 जून 2012 को हुई थी, और फरवरी 2024 में ईशा ने खुद से अनाउंसमेंट किया कि वो सेपरेट हो गई हैं। और इनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम राध्या और सेकंड का नाम मिराया है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रह रही हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है ऑडी Q5, सेकेंड कार है BMW X6, थर्ड कार है मर्सिडीज बेंच। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करती थी। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 85 करोड़ रुपये है।
तो ये थी ईशा देओल की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।